ये जो देख रहे हो ना गैस, ये गांव में लोग इस तरह से खेती करते हैं पहाड़ में। ये देखो यार रोड का कंडीशन। तो गैस फाइनली अभी पहुंचा हूँ इस गांव के गमरू के पास, और इस गांव का नाम है ओमसा लिनी गांव है, और ये रहे इस गांव के जीवी मीन्स गमरू। तो गैस अभी जहाँ पर कैंपिंग लगाने का परमिशन मिला मीन्स इस एरिया में, तो वहाँ पर एक घर बन रहा है इस तरह से लोकल ट्रेडिशनल में। देख सकते हो इस तरह इधर किस तरह से घर बनता है, बांस का वो है ना फट्टी से इस तरह से चौड़ा किया जाता है ये देखो, और इसी तरह से घर बनता है ना। कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का बंजारा यात्री के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जंगल में कैंपिंग कर रहा था, अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो, और नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत जाकर देखना प्लेलिस्ट में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप लोग जाकर देखना, बहुत एडवेंचर हो रहा है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मैगी का तैयारी हो चुका है और मैगी बन चुका है, और अभी मैगी खाऊंगा और भाई लोग भी मैगी खाएगा, निकाल दिया हूँ मैगी। और इधर बैग वैग भी है, नहा कर कपड़ा वपड़ा सूखने दिया। पिछला वीडियो से जस्ट ये दूसरा शुरुआत हुआ है, मीन्स एकदम सेम है, सेम एपिसोड समझ सकते हैं इसे। लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण मैं आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिखा पाया, तो वीडियोज़ बाई एपिसोड बाई वीडियो दिखा रहा हूँ। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद एक गाँव में रुकूँगा, और वो गाँव का नाम क्या है ये भाई साहब बताएंगे आप लोगों को। गांव का नाम क्या है? उरिया गांव। तो गांव का जो नाम है ना उरिया गांव है, और जस्ट ये रोड जो गया हुआ है ये सामने ऊपर जाकर, तो उधर जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ, और रास्ते में क्या कुछ होता है वो सब दिखाता हूँ। सो आप लोग वीडियो में बने रहना, और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। फाइनली बैग पैकिंग हो चुका है यार, और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि गाँव चलना है, जैसा कि आप लोगों को गाँव का नाम बताया, और यहाँ से जो है फिर से ट्रैकिंग टाइप में कह सकते हैं इसे, शुरुआत हुई है। और भाई लोग भी बैग ले चुका है, और इधर आग जलाया था, सब कुछ फिनिश कर दिया हूँ। और गंदगी भाई साहब ये पत्ते का थोड़ा लोग फेंक कर गए हैं, वो सब हम लोगों ने तो गंदगी नहीं किया, क्योंकि नेचर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो आप लोग भी कैंपिंग करते हो तो गंदगी ना करो यार, और ये नज़ारा देख कर तो अच्छा लग रहा, तो चलते हैं नई सफ़र की ओर, और उस गाँव में भी जाकर कैंप वैम्प करूँगा। तो ये वीडियो को पूरा देखना भाई, बस यही कह रहा हूँ मैं, हर बार यही कह रहा हूँ, पूरा देखना। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, अनसब्सक्राइब करना, लेकिन अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है ना इतना मेहनत करने के बाद। ये जो देख रहे हो ना गैस, ये गांव में लोग इस तरह से खेती करते हैं पहाड़ में। ये सामने सुपारी का पेड़ है कुछ इस तरह, और ये लोकल बनाना और ये अनानास का सब खेती करता है ऊपर। बहुत मतलब गाँव में खेती इधर पहाड़ पर ही तो होगा, क्योंकि पूरा पहाड़ दिख रहा है। नीचे तो ट्रैकिंग था, ऊपर आने के बाद रोड थोड़ा सही हो गया है, अब वो जस्ट ही बना है, कुछ दिन हो रहा होगा बने। और देखो ये अनानास का पेड़ कुछ इस तरह से होता है, ये देखो ये अनानास का पेड़ है पूरा, अभी हुआ नहीं है। ये सब गांव वाले लोग खेती करते हैं। तो गाइस अभी आ चुका हूँ नदी के किनारे कुछ ऐसा है, और यहाँ पर दादा मछली मार रहा, दादा मछली पकड़ाया, मछली पकड़ी दोस्त, ये हिंदी नहीं लग रहा, समझ रहे क्या बढ़िया से। तो ये देखो उपच रहे हैं इधर से, और ये नदी है, वो मछली उछली भी इसमें पकड़ाता है काफ़ी ज़्यादा। और जंगल के पूरा अंदर आ चुका हूँ, ये देखो अभी नीचे जा रहा हूँ गांव की ओर। बहुत मज़ा आ रहा है यार, इस तरह से ट्रैकिंग करके जा रहा हूँ पैदल, और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा नेचर है बैकग्राउंड में, ये सब जो है ना कहीं कहीं देखने को मिलता है, और अभी मेघालय में मिल रहा होगा देखने को। मज़ा आ गया, मज़ा आया, पूरा मोजा भी आ गया, जूता भी आ गया। तो क्या भाई चढ़ाई करने में मजा आ रहा, कैसा लग रहा? सजा भी आ रहा, मजा भी आ रहा, पूरा चढ़ाई है यार डायरेक्ट, 1 किलोमीटर और चढ़ाई है। वो भाई आगे आगे चल रहा है यार, एक्सपीरियंस है उसको, और हम लोगों का तो हालत ख़राब हो रहा है, डायरेक्ट चढ़ाई। और ये देखो फिर से चढ़ाई ऊपर, पूरा फिर से खतरनाक वाला, आगे एक ट्रैक और चढ़ के, थोड़ा और मेहनत करो यार। ये देखो नेटवर्क पूरा तरह से ख़त्म हो चुका है यार, ये देखो ब्राइटनेस तो दिख रहा होगा तो आप लोगों को शायद, पूरा नेटवर्क कुछ नहीं है यहाँ पर, नो नेटवर्क जोन में आ चुका हूँ। सो गाइस फाइनली थकने के बाद एक लोकेशन पर रुका हूँ, और यहाँ पर भाई साहब मिले हैं इधर के लोकल, तो
तो बात बात कर रहा था लोकल में ताकि जो है कौन सा जगह बढ़िया है एक्सप्लोर के लिए, तो एक लोकेशन पता चला है। कौन सा लोकेशन है वो? एक बहुत अच्छा जगह है, ऊपर हाँ। में ऐसे निजरा गिरता है, पानी वानी वाटरफॉल ये सब, और अच्छा वहाँ पर कैंपिंग वैम्पिंग भी हो जाएगा। कैंपिंग सब हो जाएगा मानते हाँ। सफा सफा कर बोले अलमान लड़ा गिला जाएगा ना मानते तर जे टूरिज्म के लिए सफा सुफा करके रखा हुआ है। तो भाई का नाम कुछ ऐसा, और अभी इसी तरह ऊपर जा रहा हूँ और काफ़ी गर्मी भी है। तो गाइस ये देखो यार, ऑफ रोडिंग आ चुका है और नज़ारा तो छोड़ ही नहीं रहा, बैक टू बैक मस्त मस्त नज़ारा है। और रोड तो वहाँ तक ख़त्म हो गया था, उसके बाद से पूरा ऑफ रोडिंग है और रोड भी काफ़ी पतला हो चुका है और घना जंगल है। तो यहाँ से आधा किलोमीटर और है, और वो भाई साहब जो पीछे अभी बात कर रहे थे वो अपने गाँव के बारे में बता रहे थे, वहाँ पर बहुत मस्त जगह है वाटरफॉल ये सब कैंपिंग का। तो उनके गांव जाएंगे कल सुबह 6 बजे, यहां से निकलेंगे और आज का कैंपिंग इसी गांव में होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा होगा आज का भी दिन। सो ऊपर जो पेड़ दिख रहा होगा आप लोगों को घना जंगल टाइप का, ये एक्चुअली में क्या है ना, फूल झाड़ू जो होता है उसी का खेती किया गया है। कुछ ऐसा देख सकते हो ऊपर, देखने में एकदम थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि फूल का कोई गाछ है और पूरा ग्रीन है, ये सब झाड़ू का खेती हुआ है इस तरह से ऐसे। सो गाइस फाइनली अब गाँव लग रहा है पहुँचने वाले हैं, वो एक घर दिख रहा है और सोच सकते हो इतना मतलब एडवेंचरस, ऐसा रोड में भी उस तरह का पक्का घर बनाना इस जंगल के बीच में, मतलब कितना सर्वाइव किया होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना कठिनाई से बनाया होगा वो देख कर यार एकदम मोटिवेट होता हूँ। और ये सब पूरा जंगल है, रोड बहुत ख़तरनाक है, मीन्स हम लोग जंगल के बीच में आ चुका हूँ, यहाँ हाथी भी निकलता है, शेर वेर भी इधर रहता है जंगल में, तो कुछ ऐसा सीन है इधर का। और पैदल चल रहा हूँ, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और लेकिन पहाड़ के अंदर आने के बाद थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है गर्मी, लेकिन पहाड़ का जो खुशबू होता है ना वो आना शुरू हो चुका है। क्या भाई कैसा मतलब लग रहा है खुशबू यहाँ का? थोड़ा भी अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं। दुकान नहीं है नीचे? नहीं। दुकान है सो भाग गया डरते देखो यार क्या रिएक्शन है अभी, जहाँ पर हम लोग है ना वहाँ पर ना दुकान मिल रहा है ना लोग मिल रहे हैं, ये बच्चे लोग मिले देखकर भाग गया है लोग डर से। कौन है भाई? एक घर मिला है, एक घर में लगभग कितने 7-8 बच्चे हैं। ये देखो ये चांग का घर इस तरह से बनता है इधर लोकल घर। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर दुकान मिला है, ये भाई साहब का दुकान है और अभी जस्ट आए हैं। और इनका दुकान है? ओह इनका दुकान है, अभी आए जस्ट। ये देखो कुछ इस तरह का दुकान रहता है इधर। और गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ये जो फील्ड देख रहे हो यहीं पर डिसीजन हुआ है कैंपिंग करने का, लेकिन कुछ भाई लोग उधर काम कर रहे थे तो वो लोग बोले कि जाकर गमरू से पूछ लो जो कि यहाँ के जीवी हैं, मीन्स मुखिया समझ सकते हैं आप लोग, तो वहीं पर तीनों मिलकर जा रहे हैं, वो उनसे पूछूँगा और परमिशन मिलने के बाद, क्योंकि सेफ्टी हो जाएगा हमारा भी और उनके लिए भी, गांव वाले लोग भी सोचेंगे कौन है कहां से आया है। तो उसी तरह चलता हूं अभी और उनसे परमिशन लेने के बाद कैंपिंग करूंगा और खाना वाना बनाऊंगा और कल से आप लोगों को इस गांव का थोड़ा टूर कराऊंगा कि किस तरह ये गांव है। और ये बोरो का गाँव है, मीन्स यहाँ पर बोरो ट्राइब के लोग रहते हैं। और कुछ ऐसा सीन है इधर का, ऊपर रहा गमरू, गमरू बोलते हैं इधर मुखिया को। तो गाइस फाइनली अभी पहुंचा हूं इस गांव के गमरू के पास और इस गांव का नाम है ओमसा लेनी, ओमसा लेनी गांव है और ये रहे इस गांव के जीवी मींस गमरू, तो गमरा गांव बुरा मुखिया मींस मुखिया कह सकते हैं इधर के लोकल में। तो फाइनली आया था बातें बातें करने परमिशन लेने के लिए कि मतलब गाँव में आने से पहले बताना तो बनता है, बिना बताए कैसे लगा सकता है। तो फिर बात बात करके और अभी चलता हूँ कैंप लगाने के लिए जहाँ पर लोकेशन आप लोगों को दिखाया था, तो वहाँ पर जाकर फाइनली आप लोगों से मिलता हूँ। और आपका नाम क्या है? सी वांग फोर क्यूमरा। सी वांग फोन क्यूमरा। वांग फोर यूमरा। अच्छा वांग फोर यूमरा। ओ नाम थोड़ा सा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है बोलने में, तो कुछ ऐसा रहा, तो चलते हैं क्या? चले। तो गाइज़ अभी जहाँ पर कैंपिंग लगाने का परमिशन मिला मीन्स इस एरिया में,
तो वहाँ पर एक घर बन रहा है इस तरह से लोकल ट्रेडिशनल में, देख सकते हो इस तरह इधर किस तरह से घर बनता है, बांस का वो है ना फट्टी से इस तरह से चौड़ा किया जाता है ये देखो, और इसी तरह से घर बनता है ना। ये दुकान बना से कि घर, घर की दुकान, घर कैंप, तो कैंप बना रहे हैं भाई साहब ऐसा कुछ। ऊपर टीन शेड है और ये इस तरह से घिरा रहा, इसे पानी नहीं आता है ना उधर से, पानी नहीं आता है ओ, तो ऐसा यूनिक इधर का घर बनता है। और इधर आप लोग बोरो ट्राइब, बोरो ट्राइब गरबी, ओ तो ये लोग गरबी ट्राइब के हैं। और चलता हूँ हम, पहले कैंपिंग लगाता हूँ उसके बाद आप लोगों से बातें बातें करूँगा। और गांव का कुछ ऐसा लोकेशन रहा इधर का। और जैसे गाइस मैं आप लोगों को हर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बताते रहता हूँ कि हर विलेज में एक ग्राउंड होता है, तो यहाँ पर भी आने के बाद सेम उसी टाइप का दिख रहा है। और बच्चे लोग खेल रहे हैं, लेकिन वो नागालैंड में तो काफ़ी क्राउड होता था, लोग वॉलीबॉल खेलते थे, इधर भी गड़ा हुआ है वॉलीबॉल फुटबॉल के लिए। और पॉपुलेशन कम है ना इस गांव का, पॉपुलेशन कम है इसीलिए। कैंपिंग करने के बाद बहुत कुछ दिखाऊंगा कल आप लोगों को। हेलो हेलो कर दो, हेलो को हाय करो, शर्मा रहा ना। ये जो काला बादल दिख रहा है ना गाइस, मौसम बिगाड़ दिया यार। अभी हम लोग का प्लानिंग था ना कि इधर कैंपिंग सैंपिंग करेगा, खाना वाना बनाएगा, लेकिन आंधी आ रहा जोर से, ये देखो और कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब इधर लकड़ी वकड़ी जमा कर रहा है, और उधर साइड हो सकता है कैंप लगाऊँ, चाहे तो वो जो घर बना रहे हैं अंकल भाई लोग वहाँ पर कैंप लगाऊँगा। और उसके बाद क्या होता है नाइट में देखना आप लोग। अभी का तो मौसम बहुत ज़्यादा मतलब पूरा एकदम समझ लो बादल हो गया, ये देखो कैसा बादल है, पूरा भयानक एकदम काला बादल है पूरा। ये जो देख रहे हो ना वो जो फट्टी इस तरह से बना हुआ है चौड़ा चौड़ा, कुछ इसी तरह से बांस फाड़ता है, ये देखो ऐसे बांस फाड़ने के बाद ये चौड़ा हो जाता है उस तरह से, तो एक तरह से टीन सेट की तरह दीवाल हो जाता है, दीवाल कह सकते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। पूरा तेज होता है यार ये। तो गाइज ये देखो यार कैंपिंग टेंट लग चुका है, और उसका जो रेन कवर है वो सिर्फ डालना है, और पानी भी आ रहा है हल्का हल्का। और ये देखो आसिफ भाई जो लिखे थे इसमें पूरा टाइप किए थे पूरा इंडिया का मैप के साथ स्टेट वाइज, और यहाँ पर हमारा चैनल बंजारा यति ऑल इंडिया ट्रैवल बाय हिचहाइकिंग बहुत मस्त लिखे हैं, थैंक यू सो मच उनका अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। तो भाई साहब पूरा घर बन चुका है इधर, और भाई बैठकर मज़ा ले रहा है। कैंपिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना आपका? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैंपिंग लगा तो कैसा लगा? मज़ा है ना, अब पानी भी पड़ने लगा। और उधर यार कैंपिंग लगाया हूँ, और इधर सामान वामान रखा हूँ, ये टीन सेट का इस तरह से दिया हुआ है। और भाई इधर पूरा जुगाड़ कर रहा है लकड़ी और ये पत्थर वत्थर खाना बनाने के लिए, टीना वीना भी जुगाड़ कर लिया। और अगर पानी पड़ने से हो सकता है हम लोग कैंपिंग इधर लगा लेगा ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए, वरना कैंपिंग में पानी आएगा और तीन बंदा है तो कैसे सोएंगे। और ये धान का खेती, अभी तक लोग धान के खेत में हैं, और ये लोग कैसे खेती करते हैं, इन लोगों से लोकल से मिलकर बातें बातें करके आप लोगों को दिखाऊंगा कल के वीडियो में। और आज का वीडियो सोच रहा हूँ कि यहीं तक रखूँ, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो कल के वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ, और सेम यहीं से शुरुआत होगी। तो इस वीडियो के लिए बस यहीं तक, और मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, और किसी अच्छे वीडियो में किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।